हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू के चिप्स, और काफ़ी जल्दी उठ गए क्योंकि बॉयल वगैरह भी करना होता है आलू को, और उसके बाद फैलाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है देर में, तो सब सुबह मॉर्निंग में ही काम स्टार्ट कर दिया है। और चिप्स जो है हमने रात में ही में काट के वॉश करके अच्छे से पानी में भिगो के रख दी थी, तो अभी वो अच्छे से हैं, उनको हमने चेक कर लिया है। और यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। उसमें मैंने डाला है जीरा और नमक, और मिर्ची मैंने पीस के रखी हुई थी तो उसको भी डाल दिया है। उसके बाद डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, बस उसको अच्छे से बॉयल होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे चिप्स। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चिप्स रात भर से पानी में भीग रही थी, और अभी मैंने एक अच्छे से पानी से, साफ़ पानी से इसको निकाल लिया है और फिर से पानी में डाल दिया है। और हम इसको बारी बारी से थोड़े थोड़े से अलग अलग भगोने में निकाल के और बॉयल करने के लिए दूसरे वाले भगोने में डालते रहेंगे, और हमारी चिप्स बॉयल होती रहेंगी। फिर इनको अभी छत पर फैलाना भी है। तो अभी मुझे 5 मिनट हो गए चिप्स को भगोने में डाले हुए, और अभी हम इसको हल्के हाथ से चलाएंगे। दस बारह मिनट हो गए हैं चिप्स को स्लो फ्लेम पे पकाते हुए, और अभी हमारी चिप्स अच्छे से पक चुकी हैं, और इनको बस अभी हमें इस चलनी से निकालना है। चलनी से निकालेंगे हम इस बास्केट में, उसके बाद पानी जैसे ही थोड़ा सा अच्छे से निकल जाएगा इसका गर्म वाला, फिर इसको हम छत पे फैलाने चलेंगे। हमारे सारी चिप्स निकल चुकी हैं और अभी हम आ चुके हैं छत पे। अपने पॉलीथीन अच्छे से बिछाने के बाद बस अब हम इसमें वन बाई वन चिप्स डालते रहेंगे। इससे थोड़ा सा कम हुआ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चिप्स अच्छे से धूप में सूखने लगी हैं, और वीडियो का एंड में करना है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।